ये वही है? जी हाँ, मैं वही हूँ जिसे अभी थोड़ी देर पहले आप याद कर रही थी। मिसेस कोहली, यकीन मानिए मुझे आपके नुकसान का बेहद अफसोस है, और अपने अफसोस को मिटाने के लिए ही मैंने आवा के साथ ये कैफे कुछ दिनों के लिए एज अ मॉकटेल स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया। बिल्कुल आपके दूसरे स्टाफ वर्कर्स की तरह। क्या हो गया तुझे? दिमाग तो सही है तेरा? ये जुक्कार की वजह? ये वही है ना जिसकी वजह से हमें इतनी तकलीफ हुई, मुंह से निवाला छीन लिया, और तूने इसी को काम पे रखा हुआ है ताकि ये यहाँ पर काम करके हमें अफसोस जताता रहे और हमें दिखाता रहे। अजीब बात है। माँ प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ? अरे अगर इसने हमारी ड्रिंक में कुछ डाल के हमें मार दिया तो, किसी और के ड्रिंक में कुछ डाल के तुझे जेल भिजवा दिया तो। माँ आप कैसी बातें कर रहे हो? उसको जो चाहिए था उसे मिल गया है, अब हमारी जान लेकर वो मुसीबत क्यों मोल लेगा? कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है। अच्छा, कम से कम किसी को पूछ तो लेती, घर में जिक्र तो कर लेती। माँ मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे छोटा मोटा फैसला सबसे पूछ कर लेना पड़ेगा। कितने सालों से मैं कैफे चला रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। माँ प्लीज। मिसेस कोहली प्लीज ट्राई दिस, आपको जरूर पसंद आएगा। आज शाम को आपकी डॉटर की एंगेजमेंट में ये स्पेशली सर्व होने जा रहा है। बड़े बेशर्म हो, कहाँ से सीखी इतनी बेशर्म? नहीं मिसेस कोहली, शर्म तो मुझे बहुत आती है, बस छुपा लेता हूँ, अपने आप को काम में बिजी कर लेता हूँ। ऐसा ही हूँ मैं बचपन से। इसमें अल्कोहल डाला है ना? नहीं। आभा, मैंने कहा था ना इसने मेरे ड्रिंक में कुछ डाला है। हमारे पास अल्कोहल का लाइसेंस नहीं है और इसने चलाकी से मेरे ड्रिंक में कुछ डाला हुआ है। तू टेस्ट कर इसे। मिसेस कोहली, संदीपन अय्यर कोई भी काम आउट ऑफ नॉर्म्स नहीं करता। इसमें एक ड्रॉप भी नहीं है अल्कोहल का, आप चाहें तो टेस्ट करवा सकते। टेस्ट क्या करवाना, मैं खुद टेस्टिंग मशीन हूँ। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि मेरी मॉकटेल्स में स्पेशलिटी है, तो मैं सही इंग्रेडिएंट्स का ऐसा ब्लेंड तैयार करता हूँ कि आदमी को वही चीज मिले जो उसे पसंद है। और आपको देख करके मुझे ऐसा लगा कि मतलब, Excuse me? आप क्या कहना चाहते हो? मेरी माँ? No, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रहा था कि आज ओकेजन ऐसा है और उसके बाद में आप, तुम क्या दिन भर ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हो? अटक गया है। खैर छोड़, अब मुझे बता ये दोनों शादियों की प्लानिंग कैसे करेंगे, कब, किधर, कैसे, कहाँ? माँ अभी मायरा के एंगेजमेंट का ओकेजन है, उसको एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बाकी चीजों का जब टाइम आएगा तब देखेंगे ना, अभी से सर क्यों खपाए? और हमने पहले कम बुरा वक्त देखा है क्या जो और बुरा वक्त एंटिसिपेट करें? अगर एंटिसिपेट ही करना है तो पॉजिटिव करते ना, नेगेटिव क्यों? सो तो है। तो अब ऑलमोस्ट सारा अरेंजमेंट तो हो चुका है, मायरा को रेडी करते हैं। मुझे तो घबराहट के मारे रोना आ रहा है। हाँ, एंगेजमेंट में आपकी हालत हो रही है तो शादी में क्या होगा? डू वरी, सब अच्छा हो जाएगा। Welcome, welcome, welcome. My God, you all ladies are looking very beautiful. And you're looking very dashing. Yeah? Please come. Relax. Sab kuch sahi chal raha hai. Everything is set as planned. अब देखिएगा आपके फैमिली फंक्शन में सब कुछ, सबको बहुत मजा आने वाला है। बस अब आप मुस्कुरा दीजिए, खूबसूरत चेहरों पर
उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। वेयर आर यू? आई एम एट द कैफे, कम हियर। आभा मारा। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छे लग रहे हो। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे बेटा आपके हाथ को क्या हुआ? स्कूल ट्रिप पे बाहर गया था और वहाँ पे गिर गया। व्हाट्स अप चैंप? अरे चलिए ना अंदर तो आइए आइए। Where do you think you're going? What happened? You come here. अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या बोलो तुझे? Finally तुमने अपनी मम्मी की बात मान ही ली ना? क्या बोल रही हूँ? मम्मी से तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। तुम ऐसे groom's family जैसे क्यों act कर रहे हो? तुम्हें हमारे साथ आना था ना? तब आबादी को ये सब खुद करना पड़ा। इतना सारा काम। Seriously? अच्छा एक बात बताओ। ये सब किसने किया है? हारू आइन मैं पार्लर गई थी। एग्जैक्टली जब तुम पार्लर में खुद को डेकोरेट कर रही थी ना तो मैं ये सब आबादी के साथ डेकोरेट करवा रहा था। नो थैंक्स। मिल के किया हम सब ने ये, उसके बाद फिर मैं यहाँ आया हूँ। कुछ नहीं बोल दिया तो एकदम भड़क जाती हूँ उस पर। पागल। हवा महल बना दिया है मिसेस कोलिना। हम अधिक विलंब से तो नहीं आ रहे। मिसेस कोहली मिसेस कोहली। अरे भाई फूल कहाँ है? शिखावत जी ये फूल मेरे लिए क्यों? इसे त्रुटि ना समझिए, आप ही असली हकदार हैं इन फूलों की। वो कैसे? देखिए आजकल के युग में कौन बच्चों के बारे में इतना सोचता है, लेकिन आपने मायरा को क्या संस्कार दिए हैं। अजी मन प्रसन्न हो जाता है ऐसी सुशील लड़की को देखकर। आ हा हा हा। तो बताइए मुइना आप इन फूलों की असली हकदार? जी मैं तो कहता हूँ आप दोनों बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको मायरा जैसा कोहिनूर हीरा मिला। जी बिल्कुल सही कहा है आपने। मैं तो कहता हूँ कि आपके तीन बेटे होने चाहिए थे। बिल्कुल ऐसे अब भी देर नहीं हुई। कितनी बुद्धिमता की बात कर रहे हैं भाई साहब। दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे ये दो बेटे देते हैं, फिर तीसरे की क्या जरूरत? जी देखिए दो बेटियाँ मिसेस कोहली की आपके घर जा रही हैं। अगर आपका तीसरा बेटा होता तो मिसेस कोहली की तीनों बेटियाँ आपके घर जाती है ना, मतलब की बात। जस्ट जोकिंग। हास्यपद। वैसे जानता तो मैं भी हूँ आपको। आपका नाम आर्यन है ना? Yes. पर आप मुझे कैसे जानते हो? मेरी मम्मा के बाद आप भी इस कैफे को रन करने वाले हो। आई नो दैट। ऑल द बेस्ट। वैसे मैं आई आस्क यू समथिंग? हाँ पूछो। आपने मेरी मम्मा को वो बुक क्यों दी थी? व्हाट्स द यूज? तुमने वो बुक पढ़ी? Yes, I read it. पर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं दिया। Well, मैंने तुम्हारी मॉम को बुक इसलिए गिफ्ट की थी क्योंकि तुम्हारी मॉम कैफे रन करती है। And that book is very informative. उस बुक को पढ़कर बहुत सारे कैफे ओनर्स बहुत सक्सेसफुल बने। तो हमारा फायदा है उसमें। आपको तो पता है, उनके पास बस एक ही वीक है इस कैफे के लिए। Soon she is going to lose this cafe. मैं जानता हूँ। I know Abha is going to lose this cafe.
और मैं कभी नहीं चाहता, क्योंकि इस कैफे को आभा से अच्छा और कोई नहीं रन कर सकता। पर तुम देखना, एक दिन तुम्हारी मॉम के दिमाग में उस बुक को पढ़कर बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज आएंगे और उस दिन वो मुझे याद करेंगी। और वैसे भी कभी किसी बुक को पढ़कर किसी का कोई लॉस नहीं हुआ, राइट? मुझे नहीं पता वो आपको याद करेगी या नहीं, या उन्हें कोई बिजनेस आइडिया आएगा या नहीं, बट वन थिंग आई मस्ट से, आई लाइक योर ऑनेस्टी। सैंडी सर, या मॉकटेल्स खत्म हो चुके हैं और गेस्ट को और मॉकटेल्स चाहिए। नो प्रॉब्लम, मैं प्रिपेयर करता हूँ, तुम गेस्ट को हैंडल करो। ओके, आई टेक अ लीव। लेट इट बी, मैं रख दूंगा। ओके। क्षमा चाहता हूँ, हर्षोल्लास का अवसर है, ऐसे बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन एक बात है जो मेरे हृदय में खटक रही है। क्या बात है शिखावत जी, आपको कुछ चाहिए? जो मुझे चाहिए वो आप दे नहीं सकती हैं। नहीं नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि देखिए, आपकी पुत्री का विवाह हो रहा है, मिसेस शर्मा के घर लक्ष्मी आ रही है, पर इस सब में मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान? जी, इतने सालों से चैनल चला रहा हूँ, लेकिन मायरा जैसी होनहार और प्रतिभाशाली रिपोर्टर आज तक नहीं मिली। अब उसका विवाह हो रहा है, जाहिर है विवाह के कारण ही उसने नौकरी से इस्तीफा दिया है। अजी, आपका तो घर आबाद, खबरों की दुनिया बर्बाद। चलिए, आपका मुंह मीठा कर रहा है। चलिए मुंह ही मीठा कर लेते हैं। या यार, दोनों बात करो, मैं आती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सीक्रेटिव हो। लुक माया, मैं जानता हूं तुमने कितनी मेहनत की है एक जर्नलिस्ट बनने के लिए, पर अब जाके जब तुम्हारा काम अप्रिशिएट हो रहा है, You just can't quit. Akshay, I'm not quitting. मैंने सिर्फ शिखावत सर को रेजिग्नेशन दिया है, जर्नलिज्म को नहीं। अगर बात मेरे आर्टिकल्स लिखने की है तो फिर वो तो मैं घर से भी कर सकती हूँ ना। शादी के बाद हम साथ रहेंगे और जर्नलिज्म भी चलता रहेगा। निखिल, व्हाट? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे, क्या हुआ? तुम्हें सब पता है, नाटक मत करो। मुझे नहीं पता, बताओ ना। सुबह तक तो सब ठीक था ना, क्या क्या कर रही हो? सुबह तक सब ठीक था, उसके बाद तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। ओके, कैसे समझाएंगे? तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम हमारे साथ आओगे, क्या हुआ, आंसर नहीं है? सुनो ना, सॉरी सॉरी, उसके लिए सॉरी। अरे अक्षय ने मुझे फोर्स किया ना कि मतलब साथ में चलो, तो कैसे मैं उसको मना करता, बताओ। निखिल, वो किंडरगार्टन का बच्चा नहीं है। I understand, वो तुम्हारा भाई है। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अक्षय या मैं? अभी तुम्हारी प्रायोरिटी मैं हूं या तुम्हारी फैमिली? ना, तुम एक सेकंड, तुम गुस्से में बहुत कुछ बोल रही हो, मत नहीं। क्या? मैं गुस्से में नहीं हूँ। I can't be your second priority, Nikhil. सुनो रिया, आई लव यू। अब ये बात क्या प्रूव करनी पड़ेगी क्या? हाँ, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही तो हो जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंड यू नो दैट, राइट? ओके, ठीक है, सुनो,
आज बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, राइट? इसे और स्पेशल बनाने का एक प्लान है मेरे पास। आज मॉम का बर्थडे है। मैं क्या सोच रहा था कि इसके आगे की सारी अरेंजमेंट्स तुम करना, और एकदम से केक लेके आना जैसे कि सिर्फ तुम्हें उनका बर्थडे याद था। सुनो तो सही, सरप्राइज हो जाएंगी, शी विल बी हैप्पी विद यू। मुझे किसी को सरप्राइज नहीं देना, तुम दे दो अपनी मम्मी को। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mama, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, happy birthday dear mommy, happy birthday to you. आपको एक बात बताऊं? बेटा बोल। मैंने मायरा को आपके बर्थडे के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर इससे कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? कल मैं और भाई प्लानिंग कर रहे थे कि हम कैसे अपनी स्वीट सी मम्मा के बर्थडे को स्पेशल बनाएं। और शायद मायरा ने ये बात सुन ली और सरप्राइज आपके सामने। सो स्वीट। वैसे ये सरप्राइज सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम सबके लिए है, क्योंकि मायरा ने ये सब कुछ खुद किया। सच में? थैंक यू बेटा। चलो काट। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो तू जैसे बेटी मिली है बहू के रूप में। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलिए अब सगाई की रस्म शुरू करें। हाँ माँ, मैं केक लेके आती हूँ जो मैंने अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन के लिए अपने हाथों से बनाया है। I'll get it. हेलो कबीर, where are you? और कब तक पहुंचोगे यहाँ पर? सैंडी तुम इतना रेस्टलेस तो साउंड नहीं किए कभी। I hope everything is fine. अगर कोई अर्जेंसी है तो प्लीज टेल मी। वक्त से यहाँ पहुंचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा अर्जेंसी क्या है, बाकी तुम्हारी मर्जी। Excuse me. Yes? If you don't mind, may I know आप किससे बात कर रहे थे? कबीर, कबीर से बात कर रहा था। कबीर, आपको पता है वो कहाँ पर है? या, मुझे पता है और वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाला है। He's on his way. But उसे suddenly नहीं जाना चाहिए था। और इस वक्त वो कहाँ से आ रहा है? वहीं जहाँ वो गया था। Simple. But उसे ऐसे भागना नहीं चाहिए था। आर्यन वो यहाँ से भागा नहीं था। It was just उसके पास इतना time नहीं था कि वो तुम्हारी family को inform कर सके। उसका जाना जरूरी था। But जहाँ तक मैं जानता हूँ, image is very important. उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। ऐसा कौन सा काम आ गया था कबीर को कि उसने अपने इमेज के बारे में भी नहीं सोचा? कुछ इम्पोर्टेंट काम था। What? उसका जाना इतना जरूरी क्यों था? वो इम्पोर्टेंट काम था तुम्हारे इस कैफे को बचाना, और इसको बचाने के आगे कबीर ने अपनी इमेज को भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा। आर्यन, आ रहा हूँ मम्मा। हाँ मम्मा। बेटा कहाँ घूमते रहते हो आप? मायरा मासी की रिंग सेरेमनी नहीं देखनी आपको? पर मम्मा, शादी तक तो मासी हमारे साथ ही रहने वाली है, और शादी के बाद भी हम जब चाहे तब हम उनसे मिल सकते हैं। बट कैफे तो बस कुछ ही दिनों के लिए है ना, तो मैं घूम रहा था कैफे में। बेटा लेकिन अभी कैफे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मासी की एंगेजमेंट ना, है ना? तो अभी हम एंगेजमेंट अटेंड करते हैं। Handsome,
एक्सक्यूज मी मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। माँ, आंटी जी, अंकल जी, रिंग सेरेमनी शुरू करें। आप लोग भी आइए प्लीज प्लीज। अंगूठी पहनाओ एक दूसरे को, किस बात का इंतजार है? अब चलो चलो जल्दी। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का हाथ थाम कर ऐसे लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान बन गया हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे समझने के लिए और मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, हमेशा समझूंगा। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। पूछूं?